राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुटता से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार, कहा धर्मेंद्र राठौड़ ने। देश में ईडी और सीबीआई का तांडव, कुछ लोग सत्ता के लालच और कुछ भय से पार्टी छोड़ रहे हैं। जो डर नहीं रहे वो कहीं नहीं जा रहे। अजमेर रविवार को अजमेर दौरे पर आए आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान स्तर पर कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार है। चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी कर लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एआईसीसी से नियुक्त 25 लोकसभा कोऑर्डिनेटर ने अपना काम शुरू कर लिया है। होटल खादिम में पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे भी अलवर लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मैंने भी लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभाओं की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने और हमारी सरकार के कामों और जनहित के मुद्दों को लेकर आमजन के बीच जाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व चेयरमैन राठौड़ ने मीडिया से पूछे सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि देश में ईडी और सीबीआई का तांडव चल रहा है। विपक्ष और हमारी पार्टी के लोगों में ईडी और सीबीआई का भय बना है, उससे भी लोग भयभीत हैं। कुछ लोग पदों के लालच और डर के मारे छोड़कर कांग्रेस से जा रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि जो लोग स्वैचारिक रूप से समृद्ध हैं और परिपक्व हैं और निडर हैं, वे लोग कहीं नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जी की जो बात है, डरो मत, जो डर नहीं रहे वे कहीं नहीं जा रहे। जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के सच्चा व पक्का कार्यकर्ता है, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राठौड़ ने पार्टी छोड़कर जाने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि अच्छे व सच्चे आदमी हो तो संकट में हो तब उनको ज्यादा मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो या न्याय यात्रा से जनहित के वे बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से बार बार सवाल कर रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए, उन मुद्दों पर अब तक एड्रेस नहीं किया जा रहा। इस वजह से देश में गरीब और किसान सड़कों पर है। होटल खादिम में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वाहिद खान, मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, यूनुस शेख, यूनुस खान आदि कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राठौड़ का स्वागत किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान के स्तर पर पूरी तरह से तैयार है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे प्रदेश के प्रभारी रंधावा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ ने बैठ के सामूहिक रूप से मंथन भी कर लिया है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जो जनहित के मुद्दे थे, जो बुनियादी मुद्दे थे, वो उठा रहे हैं और मोदी जी से वो बार बार सवाल कर रहे हैं कि हालात जो देश के बने हैं, जिन मुद्दों को लेके आप सत्ता में आए हो, उन मुद्दों को अब तक एड्रेस नहीं किया गया है। खास तौर पे गरीबी का, आज तक गरीबी का उन्मूलन कैसे हो, महंगाई कम कैसे हो, किसानों की हालत आप देख रहे हो, पहले भी आंदोलन हुआ, किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ, अभी भी आंदोलन जबरदस्त चल रहा है, किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि दो बार राजस्थान से कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली, यानी 25-0 रही है। इस बार अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी 5 साल, उन्होंने जो जनहित के काम किए, खास तौर पे हेल्थ की स्कीम तो इतनी बेहतरीन थी जिनकी पूरी दुनिया में आज भी याद उनको किया जाता है। मैं कल भी स्पीच सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आज भी जो बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो चिंतन शिविर था उनका, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें गृहमंत्री जी बोल रहे थे कि 5 लाख का बीमा के बारे में बोल रहे हैं। हमने यहाँ तो 25 लाख का बीमा कर दिया था भाई। तो कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी एकजुट होके और लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। AICC के द्वारा एक एक लोकसभा में कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए हैं। मुझे भी अलवर लोकसभा का कोऑर्डिनेटर लगाया है। मैंने वहाँ हर ब्लॉक पे जाके, एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं पार्टी संगठन के, हर ब्लॉक पे जाके हमने बैठक कर ली है और हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मोबिलाइज कर दिया है। इसी ढंग से पूरे राजस्थान में 25 के 25 लोकसभा में जो कोऑर्डिनेटर लगाए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस की जड़ से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल होते हैं। देखिए, ये कुछ क्या होता है कि सत्ता के प्रति जिनका मोह होता है, ये मानिए, या कुछ लोग ईडी, इनकम टैक्स और जो सीबीआई का जो भी देश में तांडव चल रहा है, उसके भय मान लीजिए, लेकिन जो लोग परिपक्व हैं, निडर हैं, राहुल गांधी जी की जो बात है कि डरो मत, तो जो लोग डर रहे नहीं हैं और जो वैचारिक रूप से समृद्ध हैं,
आइडियोलॉजिकल रूप से समृद्ध है। देखो ये गरीबी और अमीरी भी आती है, अच्छे दिन बुरे दिन भी आते हैं, मतलब ये सब तरह का दौर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी देखा है। बीच में देखिए आपको पता हो तो 75-74 का कार्यकाल भी देखा, उसके बाद में 89 का भी देखा, अब भी हम देख रहे हैं। तो जो वैचारिक रूप से समृद्ध लोग हैं वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो कुछ पदों के लालच में आने वाले लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, या कुछ डर के मारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी का जो युवा कार्यकर्ता है, या कांग्रेस पार्टी का जो पक्का कार्यकर्ता है, या कांग्रेस पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने कहा ना साहब कि जो जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया, या बहुत से पद दिए, अब वो अगर कमी निकाल रहे हैं अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी हाईकमांड पे, तो ये तो उनको खुद को ही सोचना चाहिए कि जब आप पद पे थे तब आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए। अब जब आप सत्ता में थे, खुद आपको मंत्री पद का दर्जा था, आप संवैधानिक पद पे थे, आप विधायक थे, ये सब बातें क्या होती है कि जब सत्ता नहीं है, और उस वक्त आप, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे और सच्चे आदमी होते हैं जब सत्ता नहीं होती है, जब संकट में हो तो ज़्यादा मजबूती से खड़े होना चाहिए।